नेक्स्ट है देखिए इकोनॉमिक इशू। अब ये बहुत बुरी बीमारी है, सबसे बुरी बीमारी है इकोनॉमिक इश्यूज की। कुछ तो वाकई में रियल होती है कि रियलिटी में कुछ इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी कैसे है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे लेते हैं। वॉन्ट टू बियर एक्सपेंसिस एट माई ओन, सर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सर अच्छा नहीं लगता सर घर वालों से पैसे लेना, सर सर बहुत पैसे ले लिया सर फैमिली से, सर अब अच्छा नहीं लगता। कितने लोग आप करते हैं ऐसा, हाँ ना बताइए, कम ऑन, कितने कितने लोग ऐसी फीलिंग्स एंटरटेन करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एंटरटेन सच काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट आई एम नाउ ग्रोन अप चाइल्ड एंड नाउ आई विल ओन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ, आई विल नॉट टेक एक्सपेंसिस फ्रॉम माई फैमिली, येस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? एवरी वन ऑफ यू डू दैट, है ना, मैक्सिमम। और ये ही सबसे ज्यादा किलिंग है आपके लिए, आई एम टेलिंग यू, यही आलोक सिंह, यही प्रॉब्लम है, दिस इज किलिंग। ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, नॉट ओनली योर कैरियर बट ऑल्सो योर फैमिली। आप ये सोचो कि आपके आपके फादर ने, आपकी मदर ने, आपकी फैमिली ने एक पौधा लगाया, है ना, एक बीज डाला, उसके अंदर पौधा निकला, उसको ग्रो करा ग्रो करा ग्रो करा, और लास्ट स्टेज पर आकर के उस पौधे ने कहा ना, अब मैं अपने आप सर्वाइव करूंगा। वो क्या सोच रहे थे कि पौधा पेड़ बनेगा, फल आएंगे, हम भी खाएंगे, इसके लिए भी अच्छा होगा। अब इस पौधे को उन्होंने लास्ट में आके भगा दिया उनको, और खुद गिर गया, वो डिले कर दिया प्रोसेस। वो तो नुकसान अपना भी किया, अपनी फैमिली का भी किया। ऐसा क्या हो गया कि 22 तेईस चौबीस 25 साल में आप मर जाएंगे घर वालों से पैसे ले लेंगे? तो किसी बाहर वाले से पैसे नहीं मांग रहे ना आप, अरे घर वालों ने आपको इतना पाला पोसा है, और पाल देंगे 1-2 साल। जिम्मेदारी लीजिए उस बात की, बी पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सेल्फ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि मैं 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, अभी भी पैसे ले रहा हूं, तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी डिस्ट्रेक्शन में जाऊं, मैं वो सारी गलतियां नहीं करूंगा जो सर ने मुझसे डिस्कस की है। एंड आई विल गेट सेलेक्टेड विद इन वेरी मच, यू नो, विद इन वेरी फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, जितनी जल्दी हो सकता है मैं सिलेक्शन लूंगा। वो होनी चाहिए आपकी ड्यूटी, ना कि ये ड्यूटी होनी चाहिए कि साहब मैंने पैसे बचा दिए कुछ घर वालों के, उसके चक्कर में आप उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। आप जल्दी सिलेक्शन लेकर के उनको इकोनॉमिक फ्रीडम दे सकते थे, आप उनकी दुनिया भरी की टेंशन कम कर सकते थे। जिस दिन आप जज बन जाएंगे या बन जाएंगी, आपके मदर फादर की जो जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगा, दे विल बी सो हैप्पी। लेकिन आपने उन हैप्पीनेस को, उस हैप्पीनेस को, उन खुशियों को डिले कर दिया, 2-3 साल आगे भेज दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का खुद्दार इंसान जाग गया, जो आज तक कभी नहीं जागा था। इतने खुद्दार होते तो 12th क्लास से खुद्दार हो जाते, समझ में आता कि नहीं भाई बचपन से ही ये व्यक्ति ऐसा है। अब जा करके सिर्फ क्या है, सेल्फ को देखो ढंग से कि फेलियर से बचना चाहते हो, कंपटीशन से बचना चाहते हो, या फिर केवल एक आपको फेस ऑफ चाहिए कि हम पैसे लेने नहीं चाहते थे, वी स्टार्टेड अर्निंग और देयर फॉर आर सिलेक्शन गॉट डिलेड। ये आपको दिल में झांकना पड़ेगा कि आप बच रहे हो, अपना चेहरा छुपा रहे हो, है ना, चेहरा छुपा रहे हो, या फिर वाकई में ऐसे इश्यूज हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि दिस इज व्हाट, कि आप लोगों को ऐसे उससे बचना चाहिए। अभी कहें जिन लोगों ने, अभी एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट अबाउट हु आर 30+, हु आर 30+। सो आई डोंट नो, 30+ तक का तो पहले टाइम लगना नहीं चाहिए था। इफ यू वॉन्ट टू बिकम जुडिशियल ऑफिसर, अगेन, अगर आप 30+ भी हैं तो देर आर सो मैनी चीपर ऑप्शन, सो मैनी चीपर ऑप्शन, जिससे आप 1-2 घंटे से अपना ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। वहां पर आपकी कोचिंग की कोई बहुत बड़ी फीस नहीं होती है ना। सो दिस इज वॉट, नेवर डू दिस मिस्टेक, नेवर डू दिस मिस्टेक। आपको सिर्फ ये करना है, जो जो समअप है सबका, कि 12 to 18 months आपको किसी भी तरीके के डिस्ट्रेक्शन में नहीं जाना है, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करनी है, और एक स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और इन इश्यूज से बचना।